हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हैरे और आप लोग टेक्निकल रेफरेंस। मैं काफ़ी दिनों से गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि किसी भी वेबसाइट की कंप्लीट जानकारी कैसे निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, उसका होस्ट कौन है, उसको किस सर्वर पे रन हो रहा है, कब वो रजिस्टर किया गया है। तो ऐसी ऐसी कई जानकारी मैं गूगल पे, मतलब ऐसे यूट्यूब वूट्यूब पे सर्च किया था कि भाई मुझे एक कंप्लीट जानकारी मिल सके किसी वेबसाइट को, जो कि एक एक हैकर के लिए बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, एक एग्जाम बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी, मतलब टेक्निकल यूजर के लिए, जो कि मतलब किसी वेबसाइट को पेन टेस्ट करता हो या फिर बग बाउंटी, मतलब किसी वेबसाइट का बग निकालता हो। तो ये सब लोगों के लिए, मतलब वेबसाइट की कंप्लीट जानकारी निकालना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। तो मैंने काफ़ी दिनों से, मतलब यूट्यूब पर बहुत सर्च किया कि मुझे कोई भी ऐसा, मतलब सेटिस्फैक्शन वीडियोस नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई मैं खुद ही इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं बहुत ही सर्च करने के बाद गूगल पर मैं आपके लिए एक ऐसा वेबसाइट खोज के लेके आया हूँ। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसी भी एक वेबसाइट की मदद से आप किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हैं। तो मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता हूँ। मैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया और मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पर सर्च करना है whois.com, whois.com। मैंने वेबसाइट सर्च कर लिया है whois.com। ये वेबसाइट बहुत ही, मतलब ना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ओपन सोर्स है। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको किसी भी वेबसाइट का URL यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देने का है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये वेबसाइट के बारे में और जानकारी देता हूँ। ये आपको यहाँ पे वेब होस्टिंग दे रहा है 3.48 डॉलर्स में पर मंथ। मतलब एक वेबसाइट होस्टिंग का एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है। ईमेल होस्टिंग दे रहा है, वेबसाइट बिल्डर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे कौन सा भी प्लान लेकर लेने का है, तो आप यहाँ से इजीली उस प्लान को परचेस कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूँ कि वो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल जो वेबसाइट मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ, मेरे कॉलेज की वेबसाइट है, मैं आपको वही उसके URL कॉपी करके यहाँ पे वो निकाल के आपको दिखाता हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया और यहाँ पे जो मेरा कॉलेज है, मेरा कॉलेज का नाम है SN कॉलेज शंकर नारायण। तो मैं यहाँ पे SN कॉलेज सर्च करता हूँ, SN कॉलेज मैंने सर्च किया और मैंने इसका एंटर किया। और ये देखिए, पहला ये मेरा कॉलेज आ गया यहाँ खुल के, www.snkollege.com। इसको कॉपी कर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इसके URL लिंक पे जाने का, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेने का। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद आपको अपने whois.com वाली इस वेबसाइट पर आ जाने का। और आने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड अ ग्रेट डोमेन नेम पे यहाँ पे आपको क्लिक करने का और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देने का। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने एंटर किया। एक मिनट, ये इसको हटा देना और एंटर। अभी ये यहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हाँ, यहाँ पे snkollege.com इज अनअवेलेबल। तो यहाँ पे आपको हुईस पे आपको क्लिक करने का। हुईस पे क्लिक करते हैं आपको कॉलेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। किसी भी वेबसाइट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, उसका डोमेन क्या है, snkollege.com। रजिस्टर कब हुआ था, ये रजिस्टर हुआ था PDR लिमिटेड पब्लिक डोमेन। ये वाले रजिस्टर भी पब्लिक, ये एक्चुअली पब्लिक डोमेन पर रजिस्टर हुआ है। और इसका रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया है 2004 को, 2004 छठा महीना 15 तारीख को ये वेबसाइट इस डोमेन पे रजिस्टर हुआ था। और इसका एक्सपायरी कब है, 2023 को, यानी कि अगले अगले साल ही, हाँ अगले साल ही 2023 को, अच्छे छठा महीना 15 तारीख में एक्सपायर हो जाएगा। और अपडेट किया गया था 2022, मतलब इसी साल में छठे महीने में इसको अपडेट किया गया था। और इसका स्टेटस भी भाई ठीक ठाक है, हाँ कि भाई अभी तक मतलब उसका एक्सपायरी नहीं हुआ। और किस, मैं आपको बताया था ना किस सर्वर पे मतलब वो रन हो रहा है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें denika.ns.cloudflare.com पे ये वेबसाइट रन हो रहा है, ये इसका सर्वर है। और एक रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट दे देगा और आपको एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टैक्ट दे देगा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप किस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, वो भी आपको दे देगा। मतलब वेबसाइट इतनी काम की है ना, मैं बताऊँ कि आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे कंप्लीट डिटेल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमको बता दो किसके नाम है अपना रजिस्टर हुआ वेबसाइट, sikha.s.shukla। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, IIS स्टेट इंडिया, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड है 401101। ये मेरे हिसाब से ये शायद से भाईंदर का पिन कोड है, पोस्टल कोड है। और कंट्री इंडिया,
और हाँ, सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे उसका जिसके नाम पे रजिस्टर है वेबसाइट, उनका उसका आपको फ़ोन नंबर ही प्रोवाइड करता है वेबसाइट। और यहाँ पे उसको ईमेल है, आपको मतलब किसी को सपोर्ट मतलब टेक्निकल सपोर्ट के लिए कॉन्टेक्ट करना है तो आएगा, ये भी दिया है टेक्निकल सपोर्ट INDweb.com का आपको ईमेल एड्रेस भी, अपना मेल आईडी भी दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्ट में आपको वही डिटेल दिया रहेगा जो ऊपर है नॉर्मली, ये शिखा शुक्ला INS ये सब डिटेल है। और टेक्निकल सपोर्ट में वही रहेगा जिसके नाम पे सब कुछ रजिस्टर है। और जो अगर आपको इसको रॉ डेटा में चाहिए तो रॉ डेटा में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SN कॉलेज रजिस्टरी डोमेन नेम क्या है, और किस सर्वर पे वो रन हो रहा है, उसका URL क्या है, मतलब आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पे कंप्लीट जानकारी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक किसी और वेबसाइट का भी मैं आपको यहाँ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब ही दे यूट्यूब ले लेता हूँ, नहीं यूट्यूब नहीं, मैं आपको गिटहब की दिखाता हूँ। गिटहब मैंने एंटर किया और यहाँ से मैंने इसका डोमेन URL मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इस पे गया। और यहाँ पे आने के बाद आपको ये एंटर डोमेन और IP पे क्लिक करने का, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देने के। अब पेस्ट करते आप एंटर दब मारोगे ना, तो एंटर दबाते आपको गिटहब के मतलब वेबसाइट का, जैसे मैं आपको बता रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब रजिस्टर किया गया है कब नहीं, यहाँ पे देखिए रजिस्टर मार्क मॉनिटरिंग से किया गया है, रजिस्टर कब किया गया, एक्सपायर कब हो रहा है, अपडेट हो रहा है, और स्टेटस क्या है, किस सर्वर पे रन हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, स्टेट कौन सा, कंट्री कौन सी है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट प्रोवाइड करता है। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है ना कि आपको ये बताता है कि मतलब किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन है वो एक्सपायर कब हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर किसी वेबसाइट का डोमेन है वो एक्सपायर, आज हम लोग ने उसको देखा कि भाई हाँ चल आज तारीख है 4 तारीख है और वो 5 तारीख 12:01 को एक्सपायर हो रहा है डोमेन, तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा एक खुरापात इंसान क्या करेगा कि भाई हाँ चल 12:01 पे एक्सपायर हो रहा है तो मैं उसको आगे जाके मैं उसको परचेस कर लेता हूँ। तो मतलब वो क्या करेगा कि भाई चल आज वो जिसके मतलब वेबसाइट का डोमेन है वो आज एक्सपायर हो रहा है तो बंदा जाके दूसरा बंदा जो रहेगा वो जाके उसको खरीद लेगा, तो बाद में सामने वाले को फिर उसको पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा भाई मेरा डोमेन छोड़ दे। तो ऐसे खुरापात इंसान लोग भी है भाई वो लोग के लिए। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जब भी डोमेन एक्सपायर होता है तो उसके लिए उसको 1-2 हफ्ता दिया जाता है, महीना भर दिया जाता है कि भाई डोमेन आप रिन्यू कर लो नहीं तो फिर आपका डोमेन किसी और को बेच दिया जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि भाई एक्सपायर हो रहा है तो मैं खुद मार सीधा जाके खरीद सकता हूँ, उसके लिए हफ्ता महीना भर का टाइम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही वीडियो था, और मैं आपको कंप्लीट मतलब वेबसाइट मतलब बहुत ही काम की वेबसाइट, एक बोले ना एक इंफॉर्मेशनल किसी वेबसाइट का कंप्लीट जानकारी निकालने के लिए वेबसाइट बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट को बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कब किसी वेबसाइट की जब जरूरत पड़ती है तो नॉर्मली ये वेबसाइट की जानकारी निकालने की जरूरत पड़ती है, मैं इसी का यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक कमेंट कर देना मेरे को, तब तक के लिए बाय बाय।